गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस अमृत की धना डाल के बारे में। ये धना डाल आपको कैसी लगती है गाइस? क्या आप इसको आपके मुंह में डालते हो इस धना डाल के? मैं तो बचपन में इस धना डाल को बहुत खाता था गाइस, अमृत की धना डाल। और ये एक्चुअली लाइटिंग की वजह से अलग लग रही है। एक्चुअल में कैसे दिखती है मैं इसको फ़ोटो आपको बता दूंगा। ये लाइटिंग ही मैंने थोड़ी अतरंगी की है गाइस, इसकी वजह से इसके कलर स्कीम्स थोड़ी अलग दिख रहे होंगे। तो गाइस बढ़िया, आपको धना डाल पसंद है क्या? अमृत की धना डाल जो आने की पहले शायद 8 आने में, अब हो गई है 1 रुपए की। चलिए हम देखते हैं ये धना डाल आती कहाँ से है। जाती तो वो पेट में है, पर वो आती कहाँ से है? वो आती है अहमदाबाद से गाइस। अमृत धना डाल, धनादाल है वो गाइस, डाल नहीं है, धनादाल, अमृत धनादाल। तो गाइस अभी हम इसको खोलने वाले हैं और देखेंगे। मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो ये खोल दी है गाइस मैंने अमृत की धनादाल। पहले हाँ मैं एग्री करता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी कम धनादाल आती थी, अब शायद थोड़ी सी ज़्यादा धनादाल आ रही है। ये देखिए गाइस, इसको गाइस अगर हम हाथ में देखेंगे तो गाइस मेरे हाथों में ये अमृत की धना डाल आ चुकी है। उसमें कुछ कचरे वाली चीजें भी हो सकती है गाइस, ये तो उसमें से ही निकला है। देखिए गाइस ये है अमृत की धना डाल, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा स्लो मोशन में डाल के। इस धना दाल को हम खा भी सकते हैं गाइस। गाइस इस धना दाल को खा के मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि या तो गाइस ये पुरानी धना दाल है या तो जिसने इसको रखा है वो सही नहीं है। ये वही है जिसने मुझे आंवला सुपा दी थी गाइस। पैकेजिंग सही नहीं हो रही है, उनकी क्वालिटी रिटेन नहीं हो रही है, इसके लिए उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है गाइस। बट ये सब बातें अपने को करनी चाहिए क्या? क्या ये सब बातें हमें शोभा देती हैं? तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले धना दाल वाले एपिसोड में, जिसमें नहीं होगी कोई भी धना, ना होगी कोई दाल, लेकिन हम फिर भी करेंगे कमाल, क्योंकि हम हैं बड़ा कर रहे जे।